खबर रांची से, जहां पर सीएम आवास में नवनियुक्त विधायकों की बैठक शुरू हुई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सभी विधायक हेमंत सोरेन को चुनेंगे विधायक दल का नेता। तो यह बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर के चर्चा हो रही है। देर शाम सीएम हेमंत सोरेन राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यहां एक और ये बैठक शुरू हो गई है। और ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज जी, की बैठक जो कि बताया जा रहा है कि शुरू हो गई, और ऐसे में विधायक दल का नेता को चुनने का एक काम किया जाएगा, और जानकारी यह भी कि इसके बाद राज्यपाल से मुलाकात हो सकती है और आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर पहले ये मुख्यमंत्री आवास में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में जेएमएम, कांग्रेस, राजद और माले के जो नवनिर्वाचित जो विधायक है, जो नए चुन के आए विधायक है, उनकी एक बैठक चल रही है। और बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री सभी नवनिर्वाचित विधायकों को लेकर वो राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन जाएंगे। संभवतः कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे का समय निर्धारित की गई है, जहां जब मुख्यमंत्री सभी नए विधायकों के साथ राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में वो नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हालांकि देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी विधायकों को लेकर पहुंचेंगे, उस समय मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो अधिकारी हैं वो भी उस समय मौजूद होंगे, और उनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सभी नवनिर्वाचित विधायकों की जो सूची है वो राज्यपाल संतोष गंगवार को वो पेश करेंगे। और एक समय वो मांगेंगे कि मैं किस तारीख को झारखंड में नई सरकार को लेकर शपथ लूं। तो कहा ये जा रहा है कि लगभग कहा ये जा रहा है कि 26 नवंबर को मुख्यमंत्री नई सरकार की गठन को लेकर वो शपथ ले सकते हैं। रांची के मोरहाबादी में ये कार्यक्रम आयोजन किया जा सकता है, लेकिन अभी इसकी तारीख और समय निर्धारित नहीं हुई। लेकिन सूत्रों के हवाले जो खबरें आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 26 तारीख को शपथ ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री आवास में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक जारी है। नई सरकार के गठन के साथ साथ आने वाले 5 साल को लेकर जो रोड मैप है वो तैयार किए जा रहे हैं, और संभवतः इसमें ये भी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो गठबंधन दल में शामिल जो पार्टियां हैं, कौन पार्टी के कौन विधायक मंत्री बनेंगे, उस पर भी चर्चाएं हो रही है। यानी विधायक दल का नेता चुनने के साथ ही तमाम और भी काम यहां पर सूरज किए जा रहे हैं, ताकि आगे किस तरीके से काम करना है, क्या रूपरेखा रहने वाली, इनको लेकर के भी चर्चा, और यही वजह है कि बैठक लंबी भी चल सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि बैठक लंबी चल सकती है, क्योंकि वैसे भी जब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई बैठक बुलाती है या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक बुलाते हैं, तो समय पे इसकी शुरुआत नहीं होती, क्योंकि ये बैठक 11 बजे बुलाई गई थी, लेकिन ये बैठक थोड़ी देर पहले शुरू हुई। तो क्या सीए लगाई जा रही कि ये बैठक 3 बजे तक चल सकती है, उसके बाद कोई ठोस निर्णय बाहर आ सकता है मुख्यमंत्री आवास के बाहर। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर फिलहाल एक और ये बैठक जा रही है, और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की जा रही है, किस तरीके से आगे काम करना है इसको लेकर के भी, और साथ ही साथ विधायक दल का नेता भी हेमंत सोरेन को इस दौरान विधायक चुन सकते हैं।